वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे और आपके बर्ड्स भी ठीक होंगे। आज ही मैं पेयर लाया हूँ, बहुत सारे फिंच के, 5 फिंच के पेयर लाया हूँ, एक अंडा साइज का ही पेयर लाया हूँ, और भी मैं तोते लाया हूँ यहाँ पे। जैसे कि एक अंडा साइज की येलो कलर की मादी है, ये लाया हूँ। एक वो रेड आइस का नर है, वो लाया हूँ। एक ये नर आके बैठा, ये भी लाया हूँ। और ये सारे पट्ठे हैं, बाकी जो बच्चे हैं ना, ये पिछली ब्रीड के पट्टे हैं, जो आपने बजीज की प्रोग्रेस देखी थी ना, जो उनके पट्टे हैं। मेरे 2 पट्टे अभी नए डाले मैंने, दोबारा ये ब्रीड आ गई है, तो वो भी दिखा देता हूँ मैं आपको। सबसे पहले ये जोड़ा, ये बराबर वाले पिंजरे में था, लेकिन मैंने फिंच उसमें डाल दी। इसके पिछले बार 5 बच्चे आए थे, इस बार ही 5 बच्चे आए हैं, वो भी दिखा देता हूँ मैं। ये 5 बच्चे हैं इसके अंदर। मादी अभी जो 2 बच्चे मैंने नीचे छोड़े थे, वो इसी के बच्चे हैं। इसका एक बच्चा ये ऊपर बैठा हुआ, इसने पिछली बार 3 बच्चे निकाले थे, इस बार माशाल्लाह से 5 बच्चे निकाले। एक बच्चा ऊपर बैठा हुआ, 2 नीचे थे। अभी आपको इसके अंदर जो मटकी के अंदर है, वो भी दिखा देता हूँ। ये 3 बच्चे बाकी हैं, बल्कि 2 बच्चे, एक तो ऊपर बैठा हुआ, ये बैठा हुआ ऊपर। बाकी अंडे इसके खराब हो गए थे, वैसे दिए थे इसने अंडे। ये मेल है, सुराख पे बैठा, वो अंडर साइज का नर है, और उसकी मादी भी यहीं कहीं है, मादी भी उसकी वो भी यहीं कहीं। और बाकी नेस्टिंग इनकी शुरू हो गई है। हाँ, ये रही मादी जो अभी इसके पास गई थी, बाकी लोगों ने नेस्टिंग भी कर ली अच्छी खासी। मैं लाया था तब, मैं वीडियो बना नहीं सका, लेकिन मैंने छोड़ दिया। काफ़ी सारी नेस्टिंग हो गई है, मैंने बहुत सारी गांड डाली थी, ये बची है। मैं अंदर से भी दिखा देता हूँ, ये सारे हैं इसमें। इसमें ब्लैक चिक के भी दाने हैं, वाइट चिक के भी दाने हैं, और मैंने इसमें सारी बजीज की मटकी लगाई है, बस एक ही फिंच की मटकी है। और नेस्टिंग तो अच्छी खासी हो गई इनकी, बस प्रोग्रेस आ जाएगी जल्दी से। अभी तो फ़िलहाल कुछ नहीं है, लेकिन जल्द आएगी इंशाल्लाह। अभी मैंने पानी भी रखा था, तो नहा रहे थे ये लोग। बाकी ये इसमें काफ़ी पेयर भी बन गए, सारे फर्स्ट ब्रीड के दाने हैं इसमें। बस वो अंडर साइज का जोड़ा फर्स्ट ब्रीड का नहीं है, और वो एक ब्लैक चिक का नर है ऊपर बैठा हुआ हो कहीं, वो ब्लैक चिक का नर, वो ब्लैक चिक का जो ऊपर बैठा है ना मटकी के ऊपर वो। और इसमें एक केस्टिड का भी नर है। तो आप लोग गर्मी में इन पे स्प्रे कर दिया करें, मैं भी स्प्रे करता हूँ ताकि गर्मी से महफूज रहें। और सॉफ्ट फूड भी देता रहता हूँ मैं। और मैंने एक पहले भी फिंच का पेयर ख़रीदा था, लेकिन मैंने सेल कर दिया था, उसके बच्चे भी निकले थे। अब मैंने दोबारा किया, अब इंशाल्लाह इनकी प्रोग्रेस आएगी, तो मैं आपको ज़रूर अपडेट करूँगा और सॉफ्ट फूड की वीडियो भी डालूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।